अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी गार्डनिंग में खुश होंगे और अच्छी अच्छी सी हार्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पटाटो, आलू की हार्वेस्टिंग। आलू की फसल मैंने लगाई थी तकरीबन आज से अक्टूबर की एंड में मैंने लगाई थी, अक्टूबर की 15-20 तारीख से। उसमें जो है आज तक जो है मुझे जनवरी की एंड चल रही है, तो मुझे तकरीबन दिन हो चुके हैं इसको 90 से 100 डेज। तो ये फसल जो है आलू की, ये तकरीबन पक जाती है, 90 दिन का क्रॉप होता है, ये 90 दिन में तैयार हो जाती है। और मैंने जो है 10 दिन और एक्स्ट्रा छोड़ दिए थे ताकि मेरे पास अभी तक लीव्स अच्छे हरे भरे थे, तो मैंने बोला कि अभी इनको मैं कुछ दिन छोड़ता हूँ ताकि ये कुछ और इसके अंदर साइज़ का इजाफा हो जाए। आज बिल्कुल ये मैंने यहाँ पर लगाए थे, 5 बैग लगाए थे, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, तीसरा ये, चौथा और पांचवा। मैंने ये तजुर्बे के खातिर लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही एक बैग से यहाँ से हार्वेस्टिंग की है, तकरीबन 2 से 2.5 किलो मैंने हार्वेस्टिंग की है। और आज मैंने सोचा क्यों ना आपको इसका प्रोसेस भी बताया जाए, आलू को किस टाइम पर कितना पानी देना है और कितनी खाद उसको देनी है। मैंने जो है बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक पे ग्रो किया है, मेरे पास प्रेस मड थी, सिर्फ वही मैंने इसके अंदर यूज़ की है, वो सिर्फ मैं 20 दिन के बाद देता रहा। पानी की बात आती है तब जब आपको फीलिंग करवाएं, प्लांट्स खुद फील करवाता है, प्लांट्स भी बोलता है हमारे साथ, जो गार्डनिंग करते हैं उनको तो पता है कि वो प्लांट्स भी बोलता है। जब आपको लगे कि भाई लीव्स जो है वो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो तब आप इसको पानी दें। ज़्यादा पानी देने से आलू ख़राब हो जाएंगे, क्यों, आलू होते हैं रूट्स के अंदर, बनते हैं सॉइल के अंदर, तो ज़्यादा नमी होगी वो ख़राब हो जाएंगे। तो अभी टाइम वेस्ट किए, बगैर टाइम वेस्ट किए हम हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो है मैं इनको कटों को गिराता नहीं हूँ, पहले जो है यहाँ से मैं लीव्स उठाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पहला जो है हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं हमारे पास कितने आलू आते हैं। ओ माई गॉड, ये तो बिल्कुल ही अंदर रूट्स जो है टूट गई, लगता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे पटाटो रेडी हैं। अभी मुझे लग रहा है इसको मेरे को गिराना पड़ेगा, या ये मेरे को यही लग रहा है कि मैं इसको गिराऊं। बिस्मिल्ला भाई, इसमें तो काफ़ी छोटे छोटे लगे हैं, ये हमारे किस काम के नहीं है। और देखते हैं अंदर, इसके अंदर बड़े साइज़ के भी हैं या सारे छोटे छोटे। भाई यहाँ पर हार्वेस्ट करता जा रहा हूँ यार, इसमें जो है मेरे पास तकरीबन सब के सब छोटे छोटे साइज़ के आ रहे हैं। लगता है इसको जो है मेरे को किसी चीज़ की कमी रह गई थी, इसलिए जो है ये बिल्कुल छोटे छोटे बने। यार कोई बड़ा भी आ जाए दिल को दिलासे देने के। ओ माशाल्लाह, इसकी अच्छी ग्रोथ हुई है, इसकी साइज़ भी अच्छी है। मैं पहले हार्वेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने जो फर्स्ट कट्टे में से हार्वेस्टिंग की है पॉट में से, वो ये थी। इसमें साइज़ छोटा हुआ है, कुछ बड़े भी हुए हैं। अभी देखते हैं दूसरे में हमारे पास कौन सी साइज़ मिलती है। ओह वाओ, अमेजिंग, माशाल्लाह। ये भाई ये हार्वेस्टिंग करते जा रहे हैं और देखते हैं इसमें से हमारे को कितने मिलते हैं। इसमें अच्छी जो है साइज़ हुई है। भाई ऑर्गेनिक हैं और इसके अंदर ऑर्गेनिक में यही होता है कि साइज़ का थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि साइज़ इतनी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि हम ये बिल्कुल ऑर्गेनिक में ग्रो करते हैं। वो तो आपको पता है कि साइज़ के लिए पेस्टिसाइड के साइड और जो केमिकल है, बायो तो हमारा ऑर्गेनिक होता है, वो जो है केमिकल भी यूज़ करते हैं ताकि उनकी साइज़ अच्छी हो, शाइनिंग वाले हो। अभी इसको मेरे को लगता है नीचे गिराना पड़ेगा, गिराऊंगा फिर आपको बताता हूँ क्या क्या निकला है। तो फाइनली जो है मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है और तकरीबन जो है 5 से 6 किलो जो है मेरे को आलू हार्वेस्ट मिले हैं। और माशाल्लाह से आप देखें इसकी कलर और ग्रोथ बेहतरीन है, कलर की शाइनिंग देखें। और ये सबसे बिग साइज़ यही है और इस तरीके से जो है ये रूट्स में लगते हैं आलू। तो आज की थी हमारी ये वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको भी कोई वीडियो चाहिए हो और गार्डनिंग के हवाले से, या कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर हमारे कमेंट्स में करके पूछें और इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई देंगे। और
किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसका भी हमें आप बता दें तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, जब तक रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।